बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बिज़नेस कम्युनिकेशन क्लास एंड आई एम योर टीचर सिद्रा हसन। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय क्लास एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट इजीली एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Here is the marks distribution of your course, so you can check it out and remember it for your exams. Okay, let's start with the introduction to the subject. हम जब इसके introduction की बात करेंगे, subject के तारुफ की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम communication के process की बात करेंगे। Communication को उर्दू में मरासला, रब्त, ताल्लुक, खबर रसानी, आमदोरफ्त, अबलाग या तरसील के मायनों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी पैगाम या मालूमात को मुख्तलिफ अफराद तक ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर पहुँचाना और उसके रद्द अमल के तौर पर जवाब वसूल करना। इंग्लिश में अबलाग का मुतरादिफ कम्युनिकेशन है। लफ्ज़ कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड कम्युनिस की तरक्की याफ्ता शक्ल है, जिसके मायने कॉमनीज या इश्तराक के हैं। कम्युनिकेशन के मायने इत्तलात और मालूमात की तरसील, खबर रसानी या मकतूब और मरासला के हैं। बहरहाल अभी तक इसकी कोई वाज़े मुतफिक्का तारीफ नहीं की जा सकी। हर मुसन्निफ ने इस मौजू पर अपने इल्म और तजुर्बे की बुनियाद पर कोई ना कोई तारीफ ज़रूर की है और अपने आप को मजमून की पहचान के लिए और समझने के लिए मुख्तलिफ मुसन्निफीन की तारीफ़ों का इल्म होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये सब्जेक्ट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कारामद साबित हो सकता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी की बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टू अचीव। देन कम्स द पर्पस ऑफ स्टडी के हमारे जो रीजंस हैं लर्निंग की वो क्या हैं, और लास्ट में आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट दैट हाउ दिस स्टडी विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर कोट की हैं, इनको आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। एक पहली डेफिनेशन जो कि मैंने यहाँ पर कोट की है, ये एक इसकी कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है, दैट कम्युनिकेशन इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। यानी के अबलाग हकायक, नज़रियात, ख्यालात और जज्बात के बाहमी तबादला का नाम है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हकायक, ख्यालात, तजुर्बात और जज्बात की अकासी का नाम है और आम तौर पर इसे ज़ुबानी अल्फाज, तहरीरी पैगामात और इशारात की तरसील का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक और बात बताती चलूँ कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये कोई आपसे ढका छुपा नहीं है। आप जब इस दुनिया में आते हैं, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने ख्यालात का, आप लोगों के ख्यालात का तबादला करते हैं, आप उनसे सुनते हैं, आप अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो रहे होते हैं। जज्बात लोगों के एहसासात का नाम है, जो उनके रवैयों पर भी असरअंदाज होते हैं। मसलन किसी दिन आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक से आप किसी ऐसी बात से नाराज़ हो गए हैं कि जिसकी वजह से आपके चेहरे के तासुरात जो हैं वो खुशगवार नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद क्या होगा कि वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यानी कि इमोशंस जो हैं वो बग़ैर बताए भी कम्युनिकेट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। इसके बाद जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो हम साथ में बिज़नेस की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही बिज़नेस कम्युनिकेशन है। तो जब हम बिज़नेस की बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि बिज़नेस
क्या और ये किस तरह से हमारी लाइफ पर असरअंदाज होगा। तो बिज़नेस के हवाले से जब हम बात करेंगे तो बिज़नेस एक्चुअली एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी जो है वो इसकी एक ऐसी इंटरप्राइजिंग एंटिटी है जो कि क्या कर रही होती है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। बिजनेस इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। बिजनेस कैन बी फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ और नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ दैट ऑपरेट टू फुलफिल अ चैरिटेबल मिशन और अ फर्दर सोशल कॉज। यानी कि वो तमाम जायज़ मुआशी सरगर्मियाँ जिनका मकसद मुनाफा कमाना हो कारोबार कहलाती हैं। इस हवाले से अगर हम बिज़नेस कम्युनिकेशन को जब हम समअप करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड एक्टिविटीज़ एज वेल एज इंक्रीज प्रॉफिट्स विद इन द कंपनी। यानी कि जब हम कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट बिज़नेस के साथ मिलाते हैं तो ये एक बिज़नेस में जान डाल देता है। यानी कि आप लोगों के रवैये, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके ख्यालात का इस्तेमाल करके अपने कारोबार की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब इस तरह से अभी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, ये सब क्या हैं? दीज आर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लोग अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, हकायक को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं ऑल अलोंग द ग्लोब। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपको ना सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलता है बल्कि अगर आप बिज़नेस को देखते हैं तो उसमें आपको बिज़नेस को एक्सपैंड करने का मौका मिलता है। इस तरह से क्या होता है कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट से मिल जाते हैं तो एक नई फील्ड वजूद में आती है जिसका नाम है बिज़नेस कम्युनिकेशन। अब इसकी एग्जांपल्स को हम यूँ देखेंगे कि जो इफ़ेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन है ये एक ऐसा वे है, ये एक ऐसा पाथ है जिसमें क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड द सेकेंड वन इज़ कि बिज़नेस कम्युनिकेशन इंक्लूड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, कस्टमर रिलेशंस, कॉरपोरेट एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स के जो लोगों की आपस की कम्युनिकेशन होती है, वन टू वन कम्युनिकेशन होती है, दो बदू कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप लाइव एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आइडियाज़ दे रहे होते हो, आइडियाज़ ले रहे होते हो और प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे होते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो। और कॉरपोरेट मीन्स के जितने भी बिज़नेस के जो एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी बिज़नेस के प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जो हैं वो यूँ मिल बैठ कर सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ हम क्या कर रहे होते हैं, असल में हम अपने बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, हम अपने बिज़नेस को फ्लोरिश कर रहे होते हैं, हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अब तो दौर ही इंटरनेट का है और एवरीबॉडी इज़ लाइक इंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। किसी ना किसी तरह से हम इंटरनेट के साथ मुंसलिक रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया की फॉर्म में हो या हम ईमेल्स भेज रहे हों या हम ईमेल्स रिसीव कर रहे हों या हम पिक्चर्स सेंड कर रहे हों, डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रहे हों, डाउनलोड कर रहे हों, अपलोड कर रहे हों, इस तरह से अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो इसी तरह से इंटरनेट के थ्रू भी बिज़नेस कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा पावरफुल हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो और ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।